फाइल, फैसले और कैबिनेट। तिहाड़ से कैसे सरकार चलाएंगे केजरीवाल, जानिए क्या कहता है जेल मैनुअल। देखिए तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएम है, सीएम के साथ उनका पर्सनल स्टाफ को भी बिठाना पड़ेगा, है ना, और स्टाफ को भी करना पड़ेगा। तो वो तो ऐसी कोई जो हमारी जो इस टाइम पे जो जेलें हैं, 16 जेलें हैं, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएम शिप जो है जेल से चला सके। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा, मैंने रूल्स आपको पहले बताई दिए, टोटल रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको रूल्स को तोड़ने को कोई अलाउ करेगा आपको। सर, जैसे आपने बात की कि रूल आएंगे, टेक्निकली तिहाड़ प्रशासन जो है, डीजी प्रिजन जो है, वो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का ही जो मुखिया है वो जेल में होगा, जहां उसे डीजी प्रिजन या वार्डन या सुप्रिंटेंडेंट की बात माननी होगी। तो कितना कितना एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट आएगा, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी आएगी। ये टोटल कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। आप देखें, जैसे सतिंदर जैन थे पहले, वो जेल मंत्री भी थे और जेल के अंदर आ गए। अब जरा सा उनको उन्होंने फैसिलिटी ज्यादा दी, जरा सी ज्यादा जो भी उन्होंने फैसिलिटी दी, आपको शायद पता होगा कि डायरेक्टर जनरल प्रिजन के ऊपर जो उस टाइम पे थे उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, सुप्रिंट जेल के ऊपर एक्शन हो रहा है। तो जब जितने इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं, ये उतनी ज्यादा वॉच में होते हैं। खाली ये नहीं, कोई भी इन्फ्लुएंशियल बंदा है वो जेल प्रशासन की स्पेशल वॉच में होता है, और अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है, उनको पता है कि हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है, या तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्शन ले सकता है या कोर्ट एक्शन ले सकती है। इसलिए बड़े सावधान रहते हैं कि इनको उतनी फैसिलिटी दो जितनी इनको जो है मैनुअल में इनकी परमिसिबल है। सर, बतौर डीजी प्रिजन, अगर यहाँ से सरकार चलाने की जिद पे अड़े रहते हैं, यहाँ सरकार चलती है, तो डीजी प्रिजन का क्या रोल होगा, कैसे, मतलब वो क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार चलाना किसको कहते हैं। सरकार चलाना कोई फाइलें साइन करना नहीं होता खाली। हाँ, फाइलें साइन करना अगर होता है तो आप फाइलें साइन करो, वो तो आप कर सकते, अगर उसको सरकार चलाना कहते हैं, पर वैसा नहीं है। सरकार चलाने के लिए आपको कैबिनेट मीटिंग में बुलानी पड़ेगी, मंत्रियों से बार बार आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आपको करना पड़ेगा, और काफी सारा स्टाफ होता है उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एलजी साहब से भी मीटिंग करनी पड़ सकती है, उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ तो टेलीफोन वगैरह है नहीं, टेलीफोन सुविधा नहीं है ऐसी, आपको उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है। उसके अलावा बहुत सारी जनता आती है जो आपको मिलने के लिए आती है, जो सीएम की ड्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको ग्रीवांस डिस्पोजल कहते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल कहते हैं। तो वो चीज तो हो नहीं सकती अगर आप सीएम की ड्यूटी खाली आप ये सब चीजें देखें जो मैंने आपको बताई हैं, तो इट इज टोटली यू कैन से इम्पॉसिबल टू रन दी जेल फ्रॉम दी जेल। सो बेसिकली दिस इज इम्पॉसिबल टू मेक अ सीएमओ एट तिहाड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, जेल में सीएमओ ऑफिस क्रिएट करना वो इम्पॉसिबल है, अनलेस, अब मैं इसमें अनलेस भी आपको करके बता रहा हूं, अनलेस कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पावर है, वो किसी भी जगह को जो है स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, इवन उनके घर को भी स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके ऑफिस को भी स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो वाली चीज जो है, जो कि बहुत इम्प्रोबेबल है, बहुत इम्प्रोबेबल, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन प्रिजन एक्ट में दी हुई है, उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर जो है दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर वो चाहें आपके घर को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी ऑफिस को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, या किसी और बिल्डिंग को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, वो अगर ऐसा करते हैं तब आप खाली इतना जरूर कर सकते हैं कि आप फाइलें वगैरह बेझिझक आप साइन कर सकते हैं, पर उसमें भी जो भी स्पेशल जेल डिक्लेयर करेंगे वहां पे एक सुप्रिंट जेल भी उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्टाफ भी वहां पे उनके घर पे लगाना पड़ेगा, जो कि ये नहीं कि हर कोई जो आ जा रहा है उसको अंदर आने जाने देगा, वो स्टाफ जो है बड़ा विजिलेंट होगा और पहले सुप्रीम जेल से पूछेगा कि इनको मिलवाना है कि नहीं मिलवाना, मतलब हिंड्रेंस उसमें काफी ज्यादा होगी। पर वहां वो टेलीफोन इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीफोन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो उसमें फिर आगे जब आपने उसको जेल डिक्लेयर कर दिया है तो जेल ये कहता है कि आप जो भी उनकी बातचीत हो रही है उनको सुनेंगे, उसको जैसे अभी प्रिजनर जो है वो रोज अपने घर पे बात कर सकते हैं, रोज जितने वर्किंग डे होते हैं, पर उनकी बात जो है रिकॉर्ड होती है, 5 मिनट के लिए अपने घर पे कर सकते हैं,
उनकी बात जो है रिकॉर्ड होती है, तो यहाँ पे तो रिकॉर्ड वगैरह कैसे करेंगे? मतलब प्रैक्टिकली जो है, अगर खाली फाइलें साइन करना है तो यस यू कैन डू, पर फाइलें के अलावा जो है बहुत ज्यादा काम है जो कि सीएम को करना पड़ता है, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है।